कर्नाटका की जो स्टूडेंट है मुस्कान खान, उसका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सबने देखा। जहां पर एक तरफ अल्लाहु अकबर के नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और उसके बाद जामियात उलेमा हिंद, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 5 लाख का इनाम घोषित किया स्टूडेंट के लिए, उसकी करेज के लिए कि उसने अल्लाहु अकबर के जो वहां पर स्लोगन्स लगाए और जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे उसके बीच में उसने इतनी हिम्मत दिखाई, 5 लाख का इनाम उसके लिए घोषित किया गया। अब अपडेट इसमें एक सामने आ रहा है कि जिन्होंने, जिस मुस्लिम आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनाम घोषित किया है, उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है। तो जसलीन भी मेरे साथ है। जसलीन, मामला कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, क्या कहूँ? बिल्कुल प्रियंका, जहां पर इस मसले को जल्द से जल्द जो है सुलझाना चाहिए था या कोई ना कोई जो है इस पे डिसीजन लेना चाहिए था, वही लगातार देखा जा रहा है। अब इस मामले को जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इस मामले को लेकर जो है ऑलरेडी जो है 3 जज बेंच जो है ऑलरेडी हेयरिंग करने के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में जो है ऑलरेडी बिठाई गई है। पर फिलहाल इसी बीच जो अपडेट्स और लगातार सामने आ रहे हैं और जो इस मामले को लेकर, जैसा तुमने भी कहा कि अगर बात करें, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस लड़की के लिए 5 लाख कैश जो है वो अनाउंस किया है कि इसकी ब्रेवरी की बात करें, जिस तरह वो अपने राइट्स के लिए खड़े हुए, वहीं दूसरी ओर एक और नरेंद्र मोदी विचार मंच की बात करें तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है वो FIR जो है वो लॉन्च की है कि इस तरह किसी चीज को बढ़ावा देना जो है वो गलत है। तो कहीं सवाल जो है अब इस बीच भी जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस लड़की को जो है पैसे जो है रिवॉर्ड अनाउंस किए, और वहीं एक और ऑर्गेनाइजेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है FIR दर्ज करी और कई सवाल जो है खड़े कर रही है। बिल्कुल। तो आप देखिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे धर्म विवाद हो जाता है। जहां पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहां पर धर्मों के पीछे लोग लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां से रिएक्शंस आने की उम्मीद है, वहां से रिएक्शन नहीं आ रहे हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस पर हायर अथॉरिटीज की तरफ से ऑर्डर जारी किया जाए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंसान का, जो फ्रीडम, जो राइट की, फंडामेंटल राइट की बात की जाती है कि जो वो चाहे वो पहन सकता है, चाहे वो हिजाब है या हिंदू वुमेन घूंघट डालना चाहती है या सिख कम्युनिटी में भी सिर ढकना कल्चर है, तो क्या कहोगी जसलीन? क्योंकि हर किसी का राइट है, हर लड़की, हर महिला का राइट है कि वो जो पहनना चाहती है वो पहन सकती है। मामला कहाँ का कहाँ पहुंच गया है, एक तरफ जहां पर मुस्कान खान की करेज के लिए उसे 5 लाख का इनाम घोषित किया गया, अब नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा कंप्लेन लॉन्च कर दी गई है, और जहां पर हर कोई सोल्यूशन की उम्मीद कर रहा है कि इन बच्चों की पढ़ाई सफल ना हो, माहौल सामान्य हो, उस वहीं पर सेक्शन 144 हमने देखा थोड़ी देर पहले, वहां पर इम्पोज कर दिया गया या फिर कुछ देर की छुट्टी घोषित कर दी गई ताकि माहौल सामान्य हो। पर माहौल सामान्य करने का ये सोल्यूशन नहीं है। माहौल सामान्य करने का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ही है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह तुमने पूछा कि अगर बात करें, मुझे लगता है कोई भी रिलीजियस, अगर किसी भी रिलीजियस के साथ, सेंटीमेंट्स के साथ इस तरह खेलना नहीं चाहिए। अगर उनके रिलीजियस में ये है तो कि कोई भी मतलब किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। और प्रियंका, इससे पहले भी तमाम इस तरह के अगर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर तो कभी इस तरह किसी को रोका नहीं। वहीं पे भी हमने पहले भी कई बार इस तरह देखा है, हर जगह में जो है मुस्लिम जो है कम्युनिटी भी होती है, और ऐसे में जब वो कॉलेजेस जाते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ ही इतने तमाम बच्चे थे वो इस तरह पहन के आते थे, कभी उन लोगों को नहीं रोका जाता। पर ये बहुत हैरान की बात है कि कर्नाटका में इस तरह का हो रहा है, और कोई भी हायर अथॉरिटीज की बात करें, जो कंसर्न वहाँ के लीडर्स हो या चाहे तो सरकार की बात करें, कोई भी जो है इसको लेकर अभी तक जवाबदेही जो है कहीं से भी नहीं आ रही। हालांकि इसको लेकर ऑलरेडी जो है 3 जजेस बेंच की बात करें तो वो ऑलरेडी बिठा दी गई है, पर अभी तक जहां पर इस मसले को सुलझाना चाहिए था या यहां पर इस मसले पे कुछ बोलना चाहिए था, अभी तक उस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जो है हायर अथॉरिटीज की तरफ से सामने नहीं आई। और साफ तौर पर देखेंगे ये किसी भी, मुझे लगता है किसी भी रिलीजियस के सेंटिमेंट्स के साथ इस तरह खेला नहीं चाहिए। हालांकि वो लड़कियां जो है पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन के लिए जो है इस तरह कॉलेज आ रही है और इस तरह उन्हें किया जाए, मुझे लगता है बहुत गलत है।
बिल्कुल, तो हम आपको अपडेट दे रहे थे बीबी मुस्कान खान का, जो पीईएस कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस इन मंड्या डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट है उसको लेकर जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जहां पर हमने देखा कुछ सैफरन सॉल्ट के साथ कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगाए, फिर वो अकेली लड़की वहां पर थी जो हिजाब पहन के आई थी, उसने अल्लाहू अकबर के वहां पर स्लोगन लगाए। उसके बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जामियात उलेमा हिंद की तरफ से 5 लाख का इनाम जो घोषित किया गया, अब उसी 5 लाख के इनाम पे नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा कंप्लेन लॉन्च कर दी गई है मंड्या पुलिस पुलिस में। और अब पता नहीं मामला कहां जाके रुकेगा, कहां जाके थमेगा, यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई सलूशन निकले, ताकि जो हर जगह पर ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है माहौल खराब ना हो, और उसी के साथ बच्चों की पढ़ाई मेनली जस्टिन सफर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, इस चीज को लेकर हम कह सकते हैं सोसाइटी में एक अनरेस्ट जो है, इस तरह का माहौल जो है वो बना दिया गया, जहां इस मसले को कोई भी जो है इतना बड़ा नहीं था कि इसको इस तरह से रोका जाए लड़कियों को के कॉलेज में ना जाने की इजाजत दी जाए, पर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम अगर बात करें तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि पूरा प्रोपोगंडा की तरह जो है इस मामले को अब जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर जरूरत है कि इसको जो है पूरे सूझबूझ के साथ जो है एक डिसीजन लिया जाए जो दोनों के फेवर में। बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ ये मामला थम जाए, रुक जाए, इंसाफ मिले, कोई सलूशन निकले, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर पढ़ाई करवाई जाती है, करियर बनाया जाता है, जिंदगी बनाई जाती है, वहां पर इस तरह के विवाद एटलीस्ट ना देखने को मिले और इस पर सियासत ना खेली जाए, इसी उम्मीद के साथ लेंगे इजाजत, देखते रहिए।